हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं BCHCT 133 यूनिट 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपका थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि इसी संडे हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से ही है। जो स्टूडेंट्स आप हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करते हैं, इसी की वजह से हमने इतना अचीव किया है। ये इसीलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, और हम होप करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। और हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियोस और भी मेहनत से डालेंगे और जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आपको वीडियो के लिए वेट ना करनी पड़े। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने करा था कि हीट चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। हीट चेंजेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंजेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन। अब जब गैस एक्सपेंड होती है, मतलब कि एक्सपेंशन फिनोमिना होता है, उस टाइम वर्क डन क्या होगा। अभी इसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि एक्सपेंशन किस तरह का हो रहा है, या एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो रहा है या एडियाबेटिकली हो रहा है, मतलब कि जो एक्सपेंड हो रही है गैस वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो रही है या फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रही है। अगर वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, मतलब कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड हो रही है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वो कैसे एक्सपेंशन होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो कैसे एक्सपेंशन होगा। दूसरी तरफ अगर वो गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, तो उस टाइम रिवर्सिबली कैसे गैस एक्सपेंड होगी, तो वर्क डन कैसा होगा। जब वो इरिवर्सिबली एक्सपेंड होगी तो उस टाइम वर्क डन कैसा होगा। ये चार टॉपिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हम स्टार्ट करेंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, कोई चेंज टेम्परेचर नहीं होगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द प्रोसेस वेयर नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये तो हमने पहले से ही सीख रखा है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। गैस एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू द होल प्रोसीजर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रोसेस भी इरिवर्सिबल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें एक सिलेंडर है जिसमें गैस को फिल किया गया है। आइडियल गैस है ये, सिलेंडर में फिल की गई है, जिसको एक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ गैस को फिल किया गया है और इस सिलेंडर को थर्मोस्टेट में रख दिया गया है, इमर्ज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर थर्मोस्टेट में रखेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि जो हीट, जो टेम्परेचर है, हीट है वो टुवर्ड्स सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से लेकर सिस्टम में एंटर नहीं करेगी, सराउंडिंग में भी लॉस नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे थर्मोस्टेट यूज करा है। थर्मोस्टेट यूज करने का सिर्फ यही मतलब है, यही फायदा है कि यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल तो हमने कर लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस गैस को जिसमें फिल किया गया है आइडियल गैस, उसका मान लेते हैं कि प्रेशर है V1 उस टाइम और वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर होगा T। यहाँ पे T1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो एक्सपेंड कर रही है गैस वो आइसोथर्मली कर रही है, टेम्परेचर सिर्फ T ही रहेगा इन द होल ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो टेम्परेचर अगर T है तो इसका स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम इज P1V1T। अब हम क्या करेंगे कि गैस को एक्सपेंड कराएंगे। गैस कैसे एक्सपेंड कराएंगे, अगर ये पिस्टन अपवर्ड मूव होगा तभी गैस एक्सपेंड करेगी। हम क्या करेंगे, गैस में जो पिस्टन के ऊपर मास रखे गए हैं इसे रिमूव करवा देंगे। देखिए यहाँ पे गैस जो पिस्टन है इसके ऊपर मास जो है रखे हुए थे वो रिमूव करवा दिए, जिसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी मतलब कि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा रिड्यूस। प्रेशर जो रिड्यूस होगा इट विल इक्वलेंट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सपोज कर लीजिए वो प्रेशर जो रिड्यूस हुआ है वो है P2 और वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वॉल्यूम वुड एक्सपेंड, वो कितना V2। टेम्परेचर तो सेम ही रखेंगे क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर तो T ही रहेगा। तो न्यू स्टेट कौन सी आ गई, P
P2V2T। ओके, अब जो फर्स्ट स्टेट थी अब न्यू स्टेट है, दो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स आ गई है हमारे पास। द एक्सपेंशन ऑफ गैस वुड प्रोड्यूस वर्क डन। अब गैस जो एक्सपेंड करी है इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन द सराउंडिंग, विच मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है जिसकी वजह से गैस एक्सपेंड करी गई है। तो गैस जो एक्सपेंड करी है, द वर्क डन इज बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, सपोज कर लीजिए वर्क डन होगा इसका W1। W1 वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है P2 और वॉल्यूम कितना चेंज आया, इनिशियल वॉल्यूम थी V1, फाइनल वॉल्यूम है V2। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, V2 - V1। और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम। अब चलते हैं नई स्टेट, ये तो हो गया इरिवर्सिबल। अभी अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन टू स्टेप्स में हो, ये वन स्टेप टू स्टेप क्या है देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या करा था, दो मासेस रखे थे, दोनों के दोनों ही हमने एक ही स्टेप में रिमूव कर दिए थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों इकट्ठे रिमूव करवाने की बजाय अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मास रिमूव करवा दूं तब क्या होगा। इसी को बोलते हैं टू स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ और सिर्फ एक मास रिमूव करूं, सपोज कर लीजिए 500 ग्राम मैंने रिमूव करवाया, तो गैस जो एक्सपेंड होगी, सपोज कर लीजिए इसका प्रेशर अभी जो रिड्यूस होगा वो कोई और प्रेशर होगा, वो सेम P2 प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक मास है। क्यों एक मास है, तो उतना गैस जो एक्सपेंड नहीं होगी जितनी दोनों मास रिमूव करने से थी। तो गैस जो यहां पे एक्सपेंड होगी वो कम एक्सपेंड होगी क्योंकि अभी भी एक मास रखा हुआ है। वो गैस जो है वो एक्सपेंड करी, सपोज कर लीजिए P-, ये जो P- है ये लेस होगा एज कंपेयर टू P2। P- एंड V- टेम्परेचर तो T ही रहेगा। तो उस टाइम अगर स्टेट है तो हम मान के चलते हैं P-V-T। अब इस टाइम वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, P- - चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, फाइनल वॉल्यूम कितना था V-। तो चेंज इन वॉल्यूम इज V-- V1। यहाँ पे V2 नहीं लिखना है क्योंकि वो एक स्टेप की बात थी, अब दो स्टेप की बात कर रहे हैं। दो स्टेप का मैं आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको समझा देती हूँ। स्टेट ऑफ द सिस्टम जो इनिशियल थी वो थी P1V1T। नाउ रिमूव वन मास से 500 ग्राम फ्रॉम द पिस्टन, द प्रेशर रिड्यूसेस इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस, अब जो प्रेशर था वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल भी होगा प्लस जो एक मास रखा गया है उसके इक्वल होगा। तो दो प्रेशर सपोज कर लीजिए वो P- था, तो वर्क हमने देख लिया वर्क ऑफ एक्सपेंशन कितना था, नेगेटिव साइन है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मास रिमूव कर लेंगे। अब एक और मास रिमूव करेंगे इसका मतलब क्या होगा, हमने कौन सी स्टेट ले ली, ये वाली स्टेट, दोनों जो मास थे वो रिमूव करवा दिए, पहले एक करवाया था फिर दूसरा भी कर दिया, तो ये स्टेट आ गई। तो प्रेशर अब क्या होगा, अब प्रेशर होगा व्हेन अनदर मास रिमूव्ड फ्रॉम द पिस्टन द प्रेशर रिड्यूसेस इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब वो प्रेशर कितना था जो पहली स्टेट में हमने पढ़ा था वन स्टेप वाले में, वो था P2। तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज P2V2T। अब इसके लिए इनिशियल स्टेट क्या थी, इसके लिए इनिशियल स्टेट ये वाली है P-V-T और फाइनल स्टेट है P2V2T। ये आप ध्यान रखिए, जब आपने फर्स्ट स्टेप किया था उसमें ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, क्योंकि दोनों मास रिमूव कर दिए थे। जब आपने टू स्टेप में करा तो आपके लिए इनिशियल स्टेट ये थी, एक मास रिमूव करा फिर ये थी, दोनों मास रिमूव कर दिए। इस अब दोनों मास रिमूव करेंगे तो आपके लिए ये इनिशियल स्टेट नहीं रहेगी क्योंकि ये तो खत्म हो गई। अब इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है। तो इनिशियल स्टेट जो है वो और फाइनल स्टेट, हम दोनों का जो वर्क डन निकालेंगे वो क्या होगा, अब सपोज कर लीजिए वो वर्क डन कुछ अलग होगा, वो होगा W" जिसको हम लिखेंगे -P2 फाइनल प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना था V2 और उसके लिए इनिशियल वॉल्यूम क्या था V-। अब हम फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होगा, सम ऑफ द बोथ ऑफ वर्क डन स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट सेकंड स्टेप का मतलब है जो दो स्टेप में हमने वर्क डन निकाला था दो स्टेप में, उन दोनों का सम करेंगे, सम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
जब सम करेंगे तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज डब्ल्यू वन डब्ल्यू डैश एंड दिस इज डब्ल्यू डबल डैश। तो आपने क्या देखा कि जो टोटल वर्क डन है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन वन स्टेप, एक स्टेप में फर्स्ट स्टेट ये थी, सेकेंड स्टेट ये, जब टू स्टेप करा था तो फर्स्ट स्टेट ये, फाइनल ये, अब अगले स्टेप में क्या हुआ था, इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, तो दो स्टेप में करा तो हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप। तो यहां पे हमने दोनों का सम निकाला। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वर्क डन सिर्फ एक ही स्टेप में किया जाए या फिर दो स्टेप में किया जाए, दोनों में वर्क डन का क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में जब टोटल मास टोटल वर्क डन निकालेंगे और पहले वाले में जो निकाला था, क्या दोनों वर्क डन सेम है या फिर ज्यादा है, क्या डिफरेंस है। वर्क ऑब्टेन्ड इन टू स्टेप इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट स्टेप। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं दो स्टेप्स में, टाइम टू टाइम आप मास रिमूव कर रहे हैं, एकदम से एक ही बार में मास रिमूव ना करने के बजाय एक एक मास रिमूव कर रहे हैं वो वाला वर्क डन, और अगर आप करेंगे एक ही स्टेप में सारे के सारे मास रिमूव करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, वर्क डन ऑब्टेन्ड इन टू स्टेप इज मोर। यहां से आप देख ही रहे हैं वर्क डन इज मोर इन टू स्टेप एज कम्पेयर टू वन स्टेप, लेकिन ऐसा क्यों, इसका आंसर क्या लिखोगे। सिंगल स्टेप में जब एक्सपेंशन होता है इट वॉज अगेंस्ट प्रेशर पी टू, वेयर एज इन टू स्टेप अबाउट हाफ, इसमें अगेंस्ट था प्रेशर लेकिन हाफ हाफ, हाफ तो था पी टू के लिए और बाकी हाफ था पी डैश के लिए, विच इज ग्रेटर देन पी टू। मतलब जो फर्स्ट स्टेप था, सिंगल स्टेप में आपने एक्सपेंड करवाया गैस को, उस टाइम जो प्रेशर था वो था अगेंस्ट पी टू, जब टू स्टेप में करवाया उस टाइम हाफ ऑफ द एक्सपेंशन वॉज अगेंस्ट पी टू एंड हाफ ऑफ द पी डैश, और ये पी डैश जो है पी टू से ज्यादा है, पी टू से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका सम जो है वो भी ज्यादा आ जाता है। तो आप अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे आंसर को लिख सकते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हो गया खत्म, अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन बट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप क्या लेंगे, स्टेट वही स्टेट, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस ले लीजिए, जिसमें आप कहेंगे विच अकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स। कौन से सिस्टम ले लीजिए, पी वन वी वन टी, जो तो पहला इनिशियल था वही सेम, परफॉर्म द एक्सपेंशन टू वॉल्यूम वी टू इन सच अ वे दैट स्लोली वेरी द अपोजिंग प्रेशर क्रिएटेड बाय मास ऑन द पिस्टन। अब एक्सटर्नल, स्टार्ट विद एक्सटर्नल प्रेशर टू बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एज कंपेयर टू पी टू प्रेशर, पी वन प्रेशर। मतलब आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वहां से स्टार्ट करेंगे जिसमें पी वन प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी टू। तो उस टाइम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर में अगर चेंज होगा, रिड्यूस होगा, तो वो वेरी वेरी स्लो, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में वो प्रेशर को रिड्यूस करवाया जाएगा। तो बहुत ही कम चेंज है तो उस टाइम हम चेंज इन प्रेशर को कैसे लिखेंगे, डीपी। इसीलिए चेंज इन प्रेशर क्या है, पी वन माइनस डीपी। अब गैस एक्सपेंड होगी, अगर गैस एक्सपेंड होगी उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा, वी वन प्लस डीवी वन, वाइल टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो चेंज इन तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या हो गई, पी वन वी वन टी की बजाय क्या हो गई, पी वन माइनस डीपी, क्योंकि प्रेशर को हमने क्या लिखा, पी वन माइनस डीपी, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वी वन प्लस डीवी वन, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसीलिए हमने यहां पे प्लस डाला है, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। अब वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन भी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट इज रिटन बाय डी डब्ल्यू डैश। ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर क्या था, पी वन माइनस डीपी, एक्सपेंड हो रहा है तो माइनस लगा दिया, इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है, वी वन प्लस डीवी वन, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी वन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वी वन इज कैंसल आउट बाय वी वन, तो डीवी वन बचा एज इट इज लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। अब वंस इक्विलिब्रियम रीच्ड, डिक्रीज इन वॉल्यूम अगेन टू एक्सपेंड वॉल्यूम अप टू वी डबल डैश। जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा
अब गैस एक्सपैंड होने पे वो कितना चेंज होगा, अब अनदर चेंज, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है वो भी नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो इसीलिए सपोज कर लेते हैं अब जो नया वॉल्यूम चेंज हुआ वो होगा वी डबल डैश, एंड ये कंटिन्यू रहेगा सेम टिल द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स वी टू। मतलब पहले सपोज कर लीजिए वी वन था, चेंज हुआ डी वी वन हो गया, फिर वी डबल डैश हो गया, फिर वी ट्रिपल डैश हो गया, अप टू कितना जो हमें लास्ट में फाइनल में करना था वी टू। वी टू तक पहुंचने के लिए जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो सारे सेम होंगे। अब वो नंबर ऑफ स्टेप्स सपोज कर लीजिए वी डबल डैश, अब इस टाइम वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू पी माइनस डी पी इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को लिखा दो बार, फर्स्ट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स सारे सेम रहने वाले हैं इसीलिए हमने एक ही बार लिखा। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना हो फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टेप तो हमें सभी छोटी छोटी टर्म्स को सम करना होगा, तो समेशन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया समेशन ऑपरेशन डी डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, अब डी यहां पे जो चेंज है इसे हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रेशन करवाइए। इंटीग्रेशन करवाएंगे कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम थी वी वन, फाइनल वॉल्यूम थी वी टू, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू चेंज करिए, वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, यहां पे डी वी को मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, और पी इंटू डी वी, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अब स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, अगर इसको कंपेयर किया जाए विद पीडीवी तो आपको पता होगा कि पीडीवी बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीपीडीवी। क्यों, क्योंकि प्रेशर यहां पे फाइनल प्रेशर है बट चेंज इन वॉल्यूम कम है, यहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो चेंज है वो दोनों ही कम है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला, ये इतना छोटा है इसीलिए हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर किया, जिसकी वजह से हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है पीडीवी। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पॉसिबल, अब ये जो वर्क डन होगा ये मैक्सिमम वर्क डन होगा क्योंकि हमने जो स्मॉल टर्म थी उसे तो इग्नोर कर दिया, तो दिस डब्ल्यू कैन बी रिटन एज वी मैक्स, वी डब्ल्यू मैक्सिमम। तो यहां पे आप सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आइसोथर्मली रिवर्सिबल वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मली। अगर हम बात करें कि एक आइडियल गैस है उसे एक्सपेंड करवा रहे हैं आइसोथर्मली, तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि बात ही आइडियल गैस की हो रही है। तो लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहां पे हमें प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर एक तरफ रखिए और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ ले जाइए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। डब्ल्यू मैक्स क्या था, क्यों हमने यहां पे पी वैल्यू निकाली आपको पता लग जाएगा, डब्ल्यू मैक्स क्या फॉर्मूला क्या था, पीडीवी, यहां पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पी की, इसीलिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर का वैल्यू निकाला। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, गैस कांस्टेंट आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होते, जितने होंगे वही रहेंगे, इसलिए पूरी जो टर्म है कांस्टेंट है इसलिए हमें इसे बाहर रख सकते हैं। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। तो यहां पे आप लगाइए वन बाय वी का इंटीग्रेशन, दैट इज लॉग ऑफ वी, तो लॉग ऑफ वी, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वी टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी वन। अब log m माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन एन, यू नो दैट फॉर्मूला लगाएं, इसके बाद नेचुरल log हटाएंगे क्या लगेगा, 2.303 log v2 upon v1, दिस इज द इक्वेशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस बट आइसोथर्मली। तो ये आपके पास मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। अगर गैस होगी वन मोल, वन मोल के लिए क्या होता है, P1 V1 = P2 V2। यहां पे आपको जस्ट करना है V2 upon V1 की वैल्यू निकालें, पुट कर दीजिए, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स एक है तो यहां पे n वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेकिन अगर आपको
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना हो फॉर्मूला, तो यहाँ पे वी टू बाई वी वन का वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, वी टू अपॉन वी वन का वैल्यू क्या है पी वन अपॉन वी टू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब डब्ल्यू मैक्सिमम आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो दोनों तरफ आपके लिए दो दो इक्वेशंस बन गई हैं। अगर आपके लिए प्रेशर दिया गया है न्यूमेरिकल में तो आप प्रेशर ये वाला इक्वेशन यूज करें, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने खत्म कर लिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब पहले तो हम कर रहे थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी इस वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता क्या है, जिसमें हीट चेंज नहीं होता है, मतलब ना तो सिस्टम में हीट एंटर करती है ना ही सिस्टम को लीव करती है, उस टाइम चेंज इन हीट क्या होगा जीरो, मतलब उस टाइम हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इस पे लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको इक्वेशन अगर याद हो तो रिमाइंड कीजिए क्या थी, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू जीरो है उस टाइम वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू मैक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, सुपोज कर लीजिए गैस सैंपल जो भी हमने फिल की है उसका प्रेशर है पी एंड वॉल्यूम है वी, तो इफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज मतलब स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो स्मॉल चेंज क्या होगा डीवी, वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस पी डीवी। अब इंटरनल एनर्जी, जो इसका इंटरनल एनर्जी होगा वो तो डिक्रीज करेगा सिस्टम का, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर चेंज इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इस टाइम वर्क एक्सपेंशन एक्सप्रेशन क्या होगा डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अब अगर गैस हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंड कर रही है वो भी आइडियाबेटिकली, तो उस टाइम वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम वुड ऑल्सो इंक्रीज एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज, बट इन स्मॉल वेरी स्मॉल रेट, बहुत ही स्मॉल रेट पे वो चेंज होगा। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर ये चेंज डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे कितनी स्पीड से, अब वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई स्पीड से और एक दूसरे के साथ कोलिजन होती है एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो इतना तो हमने समझ लिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब चेंज इन हीट तो जीरो है, उस टाइम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए जहां पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन की बात आ जाए उस टाइम इंटरनल एनर्जी का कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, सीवी डीटी, क्योंकि डीयू बाई डीटी इज इक्वल टू सीवी, ये आपको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्रेशन सॉल्व करके बताया था। अगर आपको ये पता नहीं है कि कहां से आया तो आप लास्ट वीडियो पे विजिट करिए, आपको समझ आ जाएगा। और हमने इसके साथ साथ एक और एक्सप्रेशन अभी अभी सॉल्व करा है इक्वेशन नंबर थ्री के साथ, दैट इज डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, वो इक्वेशन भी हम लगाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी है, तो क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए। यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, ऑब्वियसली प्रेशर, हमेशा प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे आपने प्रेशर की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए आइडियल गैस के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहां से पी की वैल्यू निकाली एनआरटी अपॉन वी। तो तीन तीन एक्सप्रेशन हमारे पास थे, तीन एक्सप्रेशन में से हमने एक ये इक्वेशन निकाला और आइडियल गैस इक्वेशन भी, दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रेशर आपने वैल्यू क्यों निकाला, ताकि इक्वेशन नंबर टू में पुट कर सकें, इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, एडियाबेटिक चेंज,
एडियाबेटिक चेंज है तो सिस्टम फर्स्ट में सपोज कीजिए उसकी वॉल्यूम थी V1 एंड T1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. टेम्परेचर T1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है. आइसोथर्मल नहीं है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा. अब P1, P2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस केस में एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, स्टेट जो एडियाबेटिक चेंज है उसके लिए क्या है, V1 T1 से जो स्टेट चेंज हुई है वो है V2 से लेकर T2 तक. अब एज्यूम कीजिए कि जो CV है ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस वही लगा दीजिए, P1 is V1 is equals to P2 V2 लगाया. यहां पे ये वैल्यू आप यूज करेंगे, आपने क्या करा, इंटेग्रेशन. किसका इंटेग्रेशन करा, ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी इसका इंटेग्रेशन करा, 1/T नेचुरल लॉग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, सेम यहां भी ऐसे ही किया. उसके बाद आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, यहां पे आपको क्या करना है, ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे. कैसे हटाएंगे, इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. V2/V1 को लिखिए V1/V2, तो नेगेटिव जो टर्म थी वो कैंसल आउट हो गई, पॉजिटिव आ गई. अब हमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा, log m पावर n विच इज इक्वल टू n log m. ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करेंगे, यहां पे n log m है, ये टर्म है एज इट इज. अब इसको इस फॉर्मूला में चेंज करना है, log m अपॉन n, तो ये पावर में चला जाएगा, देखिए पावर में चला गया. अब आपको इसके log खत्म करने हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. log कैसे खत्म करेंगे, एंटी log लेकर, दोनों साइड एंटी log लिया. अब T2/T1 अगर फाइंड करना है तो ये पावर दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी, ये आ गई. पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल. अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक और इक्वेशन आपने यूज करी थी, CP-CV = R, ठीक है. R की वैल्यू आप पुट कीजिए यहां पे, क्यों, ताकि यहां पे R टर्म खत्म हो जाए और इसका रिलेशन पहले से ही CV है, तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. तो यहां पे लगाइए CP-CV, n तो पहले ही 1 था इसलिए खत्म हो गया, अपॉन CV. यहां पे अगर आपको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, CP/CV - CV/CV, जिसके से आपको मिलेगी वैल्यू CP/CV - 1. CP/CV क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, जिसको लिखते हैं गैमा के साथ. अब यहां पे लिखेंगे आप गैमा, क्या आ जाएगा, गैमा -1, देखिए आपकी इक्वेशन गैमा -1. अब ये जो पावर है ऊपर भी है नीचे भी है, अलग अलग लिख दी, क्यों, ताकि हम T1 V1 T2 V2 एक तरफ लिख सकें, इनिशियल एंड फाइनल को इक्वल कर सकें. अब अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट इज TV विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो आपने क्या सीखा, दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दें, रिलेशनशिप फाइंड करना था तो आपके टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए, तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी थी तो की, उसके बाद आपको पहले से इक्वेशन भी मिली, दोनों को कंपेयर किया, ये आ गया. यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपको पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन फाइंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में फाइंड करना है, तो प्रेशर वाली टर्म यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. तो प्रेशर वाली टर्म को इलिमिनेट करने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ी, ताकि हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में इस इक्वेशन को चेंज कर सके, तो इसलिए वॉल्यूम वैल्यू पुट कर दी. उसके बाद इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लगाई, इंटेग्रेशन करा, इंटेग्रेशन में लॉग थी, लॉग तो हटाना था तभी हम सॉल्व कर सकते थे, लॉग हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग, इसीलिए एंटी लॉग लगाया. उसके बाद यहाँ पे आर एंड एन को चेंज करना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में आंसर आए. तो यहाँ पे फालतू टर्म क्या है, एन एंड आर. एन को खत्म कैसे करेंगे, अगर एन इज इक्वल टू 1 हो, मतलब 1 मोल ऑफ गैस हो. आर को कैसे खत्म करेंगे, CP-CV = R इक्वेशन यूज करके. कि यहां पे अब एक नई टर्म आ गई CP भी नहीं होनी चाहिए थी, तो इसको भी इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको ओपन कर दिया. CP/CV क्या होता है, फॉर्मूला गैमा, इसीलिए यहां पे गैमा वाइट करा.
ताकि सीपी कोई भी प्रेशर वाली टर्म या कोई भी अनदर कांस्टेंट टर्म ना हो। इसीलिए जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी P1 V1 P2 V2। यहाँ पे क्योंकि एडियाबेटिक इक्वेशन है तो सारी की सारी टर्म चेंज होगी। P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2 फॉर वन मोल ऑफ गैस। यहाँ पे T2 upon T1 की वैल्यू फाइंड करें। क्यों T2 upon T1 की ही वैल्यू फाइंड क्यों करी, आपको आगे समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको एक इक्वेशन पता है T2 upon T1 V1 upon V2 power gamma -1, ये आपने कहां से निकाली, जो लास्ट हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में एक्सप्रेशन सॉल्व करा था वहां पे हमने ये वैल्यू फाइंड करी थी। अब इसको क्या करोगे, आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे T2 upon T1। यहाँ पे अगर पुट करी तो आपके पास इक्वेशन इस तरह की आ गई। अब आपको क्या करना है, इस पावर को सेपरेट कीजिए T2 upon T1 T and T, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। कैसे करोगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले आगे क्या आ जाएगा T2 upon T1, बेस सेम पावर ऐड, पावर ऐड करोगे सिर्फ गैमा बचेगी, दिस इज सेम, ये सेम ही रहेगा। तो सेम रहा आगे आगे क्यों, अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद यहां पे देखिए T2 upon T1 इसको आपने रिवर्स कर दिया तो पावर गैमा माइनस वन का क्या हो गया, 1 - गैमा। इस गैमा टर्म को राइट हैंड साइड कैसे लेके आएंगे, लेके नहीं आनी है आपको, इसको खत्म करनी है। खत्म कैसे करोगे, दोनों तरफ गैमा के साथ डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, T P 1 - गैमा upon गैमा T2 P2 1 - गैमा upon गैमा। मतलब एक्सप्रेशन क्या आ गया, T P 1 - गैमा upon गैमा = constant। आपके पास ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। दोबारा दिखा देते हैं कैसे करा, वन मोल ऑफ गैस यूज करा, टेम्परेचर एंड प्रेशर में निकालना है तो आपको वॉल्यूम वाली टर्म खत्म करनी है, V1 V2 खत्म करना है। वो कैसे खत्म करोगे, आप पहले इसकी वैल्यू जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन में यूज करी थी वो वैल्यू पुट कीजिए। जब आप सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे देखिए आपने T2 upon T1 की वैल्यू निकाली, आपके पास ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 2 में, V1 upon V2 की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। V1 और V2 की वैल्यू क्यों पुट करेंगे, ताकि आपको एक्सप्रेशन में एक्स्ट्रा टर्म ना आए, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर टर्म आए, तो पुट कर दी। टी टर्म सॉल्व करी, सॉल्व करेंगे आपके पास अपने आप ही एक इक्वेशन सामने आ जाएगी। अब नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। पहले हमने करा था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर हमने करा टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब हम करेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर टर्म नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए जहां से हमने पहले स्टार्ट करा था वही इक्वेशन लगाई, वैसे ही T2 upon T1 इक्वेशन बनाई। अब यहां पे क्योंकि हमें टेम्परेचर की वैल्यू नहीं चाहिए तो इस टर्म को इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अप्लाई कीजिए टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप जो हमने पहले लगाया था। सारा ही स्टेप जो है पहले वाला एक्सप्रेशन सेम है, वहां पे क्या था V1 upon V2 की वैल्यू फाइंड कर दी, यहां पे करना है T2 upon T1 की वैल्यू। यहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, पुट करोगे आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप सिर्फ V1 V1 इकट्ठा कीजिए जो आपने पहले करा था सेम, ये इकट्ठा करा तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, बेस सेम पावर एड, ये एक्सप्रेशन बचेगा B1 V1 गैमा P2 V2 गैमा। वेरी वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन समझना है कहां से स्टार्ट करना है। स्टार्ट किया जब आपने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का निकाला था फर्स्ट, उसके बाद बाकी के दो एक्सप्रेशन बहुत ईजी है, यहां से ही आपको बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों टॉपिक्स जो आपने आज के पांच टॉपिक करे हैं, इन सभी में से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो।
किसी भी पेपर में एक साल में अगर आ गया तो दूसरे साल में दूसरा आ जाता है, आते ही आते हैं, ये पर्टिकुलर है। तो आपके लिए यहाँ मैंने बॉक्स में लिखा है तीनों वैल्यूज जो हैं, इसके लिए एक्सप्रेशंस लिखे हैं ताकि आप जब एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, चलते हैं एक्सरसाइज पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 0.40 मोल ऑफ ऑर्गन बिहेविंग एज एन आइडियल गैस इज मेड टू एक्सपेंड। मेड टू एक्सपेंड इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस अप्लाई होगा। फॉर अ वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू दिस, वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज है एंड टेम्परेचर आपके पास एक ही दिया गया है, टेम्परेचर एक ही दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स फाइंड करेंगे, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेंशन। अब इसमें चेंज क्या है, दो वॉल्यूम्स, इसका मतलब वॉल्यूम्स की फॉर्म में आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कौन सा है, डब्ल्यू मैक्स, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व करा था। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें लिखना होता है गिवन। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गन एन, एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ गैस वी वन, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम लिखा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, हमें केल्विन में चाहिए, सारी वैल्यू सॉल्व करी, जस्ट इसमें पुट कर दीजिए। देखिए -2.303, नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब एज इसको एज इट इज लिखा, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को डिवाइड कीजिए ये वैल्यू आ गई, लॉग ऑफ 1.5 आपके पास, अगर आप लॉग सॉल्व करोगे 0.176। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि लॉग कैसे सॉल्व करें। जनरली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं आपको पता ही होगा कि लॉग तो हम प्लस वन में ही सीख लेते हैं, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लॉग या लॉग फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको नीड है तो हम अलग से लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो बनाएंगे लॉग सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाएंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं लॉग। अगर आपको ये फाइंड होती है प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड करके लिख दिया है लॉग, अगर फाइंड होती है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमें इसकी वीडियो चाहिए, तभी हम ये वीडियो बनाएंगे। तो लॉग सॉल्व कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जूल में आपको वर्क डन मिल गया, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब कि एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा रिवर्सिबल वाला, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम अ वॉल्यूम दिस टू दिस, वॉल्यूम भी चेंज है, सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, गिवन लिखिए सबसे पहले, गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, आपको केल्विन में फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टर्म्स को, आपके पास आंसर आएगा, इसे मैंने एज इट इज लिख दिया, इसे आप सॉल्व करोगे क्या जाएगा, टू, लॉग टू की वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, इसे छोटा बनाने के लिए किलो जूल में फाइंड कर लीजिए, नेगेटिव वैल्यू, सो वर्क डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट इज, टू मोल ऑफ आइडियल गैस मोनोटॉमिक गैस के लिए अंडर गो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिकली रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो आपको पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम कितनी चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे तो वन वॉल्यूम दी है, ध्यान से पढ़िए, वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब टू डबल इट्स वॉल्यूम, जो नेक्स्ट वॉल्यूम होगी वो इससे डबल होगी, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपको जो यहाँ पे दी गई है, एक वॉल्यूम दी गई है, दूसरी वॉल्यूम निकालने के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा घुमा के दे दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बाद में करेंगे चेंज केल्विन में, सीवी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए जो गिवन वैल्यूज हैं,
V1 is equals to double of the initial volume find किया. अब क्योंकि हमें दिया गया है volume भी change है, temperature भी given है, तो यहां पे हमें करना है क्या है, कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला हमें एक्चुअली में अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रही हूं. फॉर्मूला है फाइनल, आपको क्या फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर. फाइनल प्रेशर कैसे फाइंड करोगे, एन आर टी अपॉन वी, मतलब कि आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी आइडियल गैस दी गई है. लेकिन अगर इसे फाइंड करना है तो आपके पास तो टेम्परेचर नहीं है फाइनल, टेम्परेचर तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी. इस इक्वेशन के लिए आपको टी भी गिवन है, एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा तो निकालना ही है, V1 V2 भी गिवन है, लेकिन आपके पास गैमा नहीं है. गैमा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी अपॉन सीवी करना पड़ेगा. सीपी अपॉन सीवी के लिए सीवी तो गिवन है, सीपी गिवन नहीं है. सीपी फाइंड करने के लिए आपको एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. तो इट इज वेरी इजी, टफ नहीं है. सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सी टर्म आपको नहीं दी गई है. सबसे पहले आपको फाइंड करना है टेम्परेचर. टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन पता चल गई, आपको ये इक्वेशन लगानी है. तो देखिए इसमें क्या नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन, गैमा. क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है सी वी, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे गैमा वाला जो जिस एक्सप्रेशन में गैमा यूज होता है वो इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होनी है. तो यहां से आपको ये ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है. तो गैमा यूज करना पड़ेगा, मतलब कि सीपी भी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. सीपी फाइंड करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर. सीपी वैल्यू फाइंड करनी है, आर आपको पता ही होता है गैस कांस्टेंट, सीवी वैल्यू पुट करें सीपी आ गया. सीपी अपॉन सीवी करेंगे गैमा आ गया. अब ये वैल्यू आप पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टेम्परेचर फाइंड करा, वॉल्यूम फाइंड करिए. जब आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा T2, टेम्परेचर फाइंड कर लिया, हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व. प्रेशर फाइंड करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू NRT, एन आपको पता है 1 मोल, सॉरी यहाँ पे 2 मोल्स है, 2 मोल्स. और आप गैस कांस्टेंट अप्लाई कीजिए, टेम्परेचर अप्लाई कीजिए, वॉल्यूम अप्लाई कीजिए. आप इसको सॉल्व कीजिए, शायद मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, आप 2 से मल्टीप्लाई सॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा शायद इससे कुछ और वैल्यू आएगी. आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको इसमें देखिए, अगर आपके पास एक वॉल्यूम जो यूनिट दी गई है वो है जूल डेसीमीटर पर क्यूब. अब इसको चेंज करना पड़ेगा जूल्स में या बार में. अब इसको जो प्रेशर है, प्रेशर होता है बार में. बार को कैसे चेंज करेंगे, आपको वीडियो में यूनिट्स में सिखाया गया था. जो फर्स्ट यूनिट थी 1 bar decimeter cube इज इक्वल टू 100 joule. अब यहां पे इस डेसीमीटर क्यूब को इस तरफ ले आइए, 1 bar pressure इज इक्वल टू 100 joule decimeter cube. तो यहां पे आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.609. 09 राउंड ऑफ कीजिए 1.61. तो दोनों के लिए आपके पास वैल्यूज आ गई जो आपको फाइंड करनी थी. टेम्परेचर फाइंड करना था, प्रेशर फाइंड करना था. नेक्स्ट इज 1.50 मोल ऑफ गैस बिहेव आइडियली. टेम्परेचर इज गिवन, सॉरी प्रेशर गिवन, टेम्परेचर गिवन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा प्रेशर भी गिवन है. हाउ मच वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना है. गिवन क्या है, एन टी पी पी वन पी टू. नेक्स्ट इज वर्क, यहां पे दिया गया है प्रेशर 4 एंड अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर. अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब अपोजिट प्रेशर दिया गया है 1 bar. अब आपको वर्क फाइंड करना है. वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम. अब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होता है पीवी इज इक्वल टू NRT. अब इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो आपके लिए एक्सप्रेशन P2 के लिए, V2 के लिए क्या होगा, NRT अपॉन P2. क्यों, V1 क्या होगा, NRT अपॉन P1. टी पे के ऊपर 1, 2 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिया गया है आइसोथर्मल, तो यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं है. तो V2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NRT अपॉन P2. तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. NRT कॉमन है, निकाला,
P2 वैल्यू, P1 वैल्यू फाइंड करनी है. ये जो डेल्टा वी है यहाँ पे पुट कीजिए. तो जो एक्सप्रेशन था, जो फॉर्मूला था, उसको चेंज करना पड़ा. यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट कीजिए. दोनों को मल्टीप्लाई करा, तीनों को मल्टीप्लाई करा, इसको सॉल्व करा 3/4, इसको सॉल्व करा, आपके पास मल्टीप्लाई 3 ये वैल्यू आ गई नेगेटिव. उसके बाद यहाँ आपको 4 के साथ डिवाइड कीजिए, उसके बाद ये वैल्यू बड़ी है तो किलो जूल में फाइंड कर लीजिए. दिस इज द वर्क डन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट वर्क डन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ दिस मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट दिस वॉल्यूम एट टेम्परेचर. फर्स्ट आपको फाइंड करना है एक्सपेंशन फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगेंस्ट आ गया, इसका मतलब है आपको कौन सा वर्क लेने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. वर्क एक्सपेंशन माइनस पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम. गिवन क्या है, अपोजिंग प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे V1 V2 दोनों ही गिवन है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कीजिए, V2 माइनस V1 आपके पास वर्क डन आ गया. उसके बाद सेकंड फाइंड करना था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. अब इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, 0.303 NRT log V2 upon V1. लेकिन इसके लिए आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल वही रहेंगे, V1 वही रहेगा, V2 10 जो आपको गिवन है 10 रहेगा, और टेम्परेचर भी सेम है. वैल्यूज यहाँ पे जस्ट आपको पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर V2 upon V1, लॉग 2 की वैल्यू याद है हमें 0.3010, दोनों को मल्टीप्लाई करा ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जूल में आंसर आ गया. ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ये लिखना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे आप. 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज मेड टू अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. मतलब आपको V1 V2 भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल भी अभी तक मिल गए. फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब कि T2 फाइंड करना है, एज्यूमिंग CV गिवन. जहां पे CV आ गया इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको CP अपॉन CV इज इक्वल टू गैमा यूज करना पड़ेगा. तो आपको फाइंड क्या करना है, T2. तो T2 अपॉन T1 के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है. यहाँ पे क्या क्या नहीं है, T2 फाइंड करना है, गैमा नहीं है. गैमा कैसे फाइंड करना है, CP अपॉन CV करके. CP पता नहीं है, उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. तो लगाइए, वैल्यूज पुट कीजिए, CP आ गया, CP अपॉन CV करेंगे, गैमा आ गया, गैमा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. बस उसके बाद तो मल्टीप्लाई करना है, कैल्विन में आंसर आ गया. तो इसी के साथ हमने ज्यादा जितने भी आपके बुक में न्यूमेरिकल के सारे सॉल्व करे हैं. अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी न्यूमेरिकल्स के लिए. जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको सॉल्व करके बताएंगे स्टेप वाइज. और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें. यूट्यूब के साथ साथ हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं. आप हमें उन साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं. इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो कीप वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू.